दिल्ली में पिछले दिनों लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और आरोपी 5 लड़कों में से 3 लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अन्य 2 आरोपियों को पुलिस 24 घंटे में गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। आपको बता दें कि घटना गया के फतेहपुर प्रखंड के पथरा चरका गाँव की है, जहाँ छात्रा स्कूल से लौटकर अपने युवक दोस्त से मिलने पहुंची, तभी कुछ युवकों ने आकर छात्रा के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। जी, आप लोगों के माध्यम से ही एक वीडियो की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसका सत्यापन एवं कराया गया, तो उसमें जो पीड़िता है उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने एक लिखित में आवेदन दिया, FIR दी, जिन लोगों के द्वारा बदतमीजी की गई है। उसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की अरेस्टिंग करी है। उसमें जो थी वो 2 लड़कियाँ थी, जो एक साथ 2 लड़कियाँ एक साथ गई थी, उसमें 3 लड़के थे, एक ऑटो में जिसमें एक ऑटो था जिसमें गई थी, वो ऑटो भी रिकवर किया गया है। उसमें 3 लड़के थे, एक छोटू कुमार, एक रोहित गोस्वामी और एक श्रवण कुमार। ये तीनों की गिरफ्तारी हुई है 24 घंटे के अंदर। बाकी 2 लोग और इसमें अन्य थे जो वायरल करने वाले थे, एवं जो वीडियो में जिनकी फोटो आ रही थी उन लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया और उनकी भी अरेस्टिंग के लिए हम लोगों की टीम। बेगूसराय पुलिस को ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वे जिले के पोखड़िया मोहल्ले में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने पहुंचे, तब ग्रामीणों ने पुलिस की टीम को दौरा दौरा कर पीटा, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई है। आलम यह हुआ कि पुलिस वहां से खुद को किसी बचाकर भागती नजर आई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस जानबूझकर घरों में घुसकर छापेमारी कर रही थी। मसौढ़ी में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया, जहां पटना गया रेल खंड पर अचानक जनशताब्दी पहुंच गई, जबकि गुमटी खुले होने की वजह से लोग उस वक्त पटरी पार कर रहे थे, तभी अचानक ट्रेन के आ जाने से लोगों में भगदड़ मच गया। हालांकि गनीमत यह रही कि पटरी पर लोगों को देखकर ट्रेन ड्राइवर ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। गुमटी पूरा खुला हुआ था, इधर से रेलवे की पूरा लापरवाही है। सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है, जिसमें महज 1 घंटे के अंदर अपराधियों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए 2 लोगों को गोली मार दी है। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि सोनवर्षा थाना क्षेत्र के जयनगर में व्यवसायी विजय कुमार को अपराधियों ने गोली मारी, तो वहीं रिंग बांध स्थित नगर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर महंत को लाठी डंडे से पीटने के बाद गोली मार दी गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। लगभग प्रशासन की गाड़ी भी रात में आई, कई लोग हल्ला उल्ला कर रहा था, वो हाईवा चलने के क्रम में तो थोड़ा बहुत गड्ढा होगा ही रास्ते में, और उसी को लेकर के वो लोग विवाद किया और खूब गालागलौज जाते किया, और सुबह तक की स्थिति ठीक थी, और रात में 8:15 बजे के आसपास में हम लोग जो कीर्तन आरती करके बैठे, महंत जी की हत्या हो गई है, और उसी कैंपस में ही रहने वाले जो पहले उन्हें कोई जमीन रजिस्ट्री कर दिए थे, यही बसाए हुए थे, उन्हीं लोगों का आरोपित कर रहे हैं, छापेमारी हो रही है। तो 4 आदमी का बता रहे हैं और बाकी अज्ञात बता रहे हैं। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने भड़ी पंचायत में विकलांग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृत व्यक्ति की पहचान रचियाई वार्ड संख्या 4 के निवासी स्वर्गीय सीबू पासवान के पुत्र शत्रुघ्न पासवान के रूप में हुई है। वही घटना के बाद अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शिवाला था, सरकारी फंड आया था, कंक्रीट कर रहे थे बाबा को जमीन, वो लोग जबरदस्ती दाब रखे थे, हम लोग जब मुखिया सरपंच वार्ड उर्ज सभी हैं, सभी को बीच में मीटिंग हो रहा था, वो बात नहीं माना, एक फायर किया, जो आदमी बोला पापा भार किया, बस इन सब पीछा पड़ गए, बस इसी पर गोली चला दिया। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में तांत्रिक होने का आरोप लगाकर राजेंद्र मांझी की कुदाल से मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी सुषमा देवी का कहना है कि वो अपने खेत में काम कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोग पहुंचे और राजेंद्र मांझी से गाली गलौज करने लगे। इतना ही नहीं, इसके बाद कुदाल से उनकी हत्या भी कर दी गई। मृतक के पुत्र रिकेश कुमार ने कहा कि पहले भी यह लोग मेरे पिता को जान से मारने की धमकी देते थे, जिसकी लिखित सूचना भी थाने में दर्ज करवाई गई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगा।
मोतिहारी के केसरिया प्रखंड में मतदान केंद्र के बदले जाने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखा। वहीं लोगों का कहना है कि पहले बूथ नजदीक हुआ करता था, लेकिन अब मतदान केंद्र में फेरबदल से 3 किलोमीटर दूर हो गया है, जिससे आम जनता को बहुत कठिनाई होती है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर वहां की जनता ने केसरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला अधिकारी के पास आवेदन देकर गुहार भी लगाई है। एकदम दिक्कत है, वो खेत का डेढ़ी के रास्ता हम लोग आना पड़ता है कि नहीं। सुविधा असुविधा बहुत ज़्यादा है, लेडी लोगों का असुविधा बहुत ज़्यादा है। घर की बेटी बहन है उसको आने में प्रॉब्लम है, जो डिलीवरी वाली औरतें उसको आने में प्रॉब्लम है कि नहीं। जबकि इसके पहले बूथ वहाँ पर हुआ करता था 10 और 11 का, उसको यहाँ दबंगता के कारण यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। दबंग लोगों का हाथ है इसमें ट्रांसफ़र करने का, है कि नहीं। जबकि नियम के अनुसार में बताया गया है कि जो प्रतिनिधि है लोग उनके घर 100 किलोमीटर दूरी।